तो अभी हो रहे हैं रात के 3 और मैं मेरी बुआ जी को ड्रॉप करने आई थी। आज जो हमारा ट्रेन है वो बहुत लेट हो गया है, डिले से डिले होता जा रहा है। 1 बजे आने वाला था और 3-4 बजने वाली हैं। और ये रहे मेरे बुआ जी, मेरे चाचा जी, सब लोग हम लोग वेट कर रहे हैं पूरी रात से कोमल और ये मेरे चाचा जी, और हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। और अब बस फाइनली आज है रेलवे स्टेशन की चाय, और आज बहुत ही दिनों बाद इसको पिए। इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की। और फाइनली ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, बहुत ही लंबे समय बाद, हमको बहुत इंतज़ार करवाया है ट्रेन ने। गुड मॉर्निंग टू माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आर चैनल। फाइनली मैं अजमेर आ चुकी हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड मैं उठ गई थी 5 बजे करीब, क्योंकि आज काफ़ी सारे काम ले रखे हैं। मेरी 6 साइड्स है तो मैं अब वेट नहीं करूंगी, बहुत दिन हो गए, एक पूरा हफ्ता हो गया ट्रैवल करते हुए, इंजॉय करते हुए। नाउ बैक टू वर्क एंड अभी काफ़ी लेट हो गया है, चलते हैं अपन साइड पे, वहीं मिलेंगे। चल रहा है हमारा काम और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, ऊपर जो सांबेला कहते हैं हम वो चल रहा है, तो उसके बाद ही हमारा मंडप रेडी होगा। यहाँ से व्यू भी काफ़ी प्यारा है और बस इसके बाद मैं निकलूँगी पुष्कर की तरफ। बहुत सारे काम हैं, काफ़ी दिन हो गए, जब काम पे वापस आते हैं तो बहुत समय। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मंडप का जो पिलर्स वगैरह है वो सब कुछ लग चुके हैं, ट्रस्ट वगैरह। यहाँ पे अभी हमारे वो लगेंगी कुर्सियाँ वगैरह, एंड यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है, पंडित जी भी आ चुके हैं। और ये आ गए हमारे ग्रूम एंड ब्राइड के सोफ़े, जो मैंने बिल्कुल न्यू ऑर्डर करे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये भी, वहाँ पे लगने के बाद ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे हमारे बुके वगैरह का काम चल रहा है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स का काम है ये, एंड बस अभी ये थोड़े से अनकवर्ड हो जाए फिर उसके बाद लगेंगे। और जो ये सोफे आए ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं और कंफर्ट भी है। सो अभी मैं वापस से ऊपर जा रही हूँ एकदम मंडप देखने के लिए, और बस ऑलमोस्ट अच्छे से हो जाए सारा कुछ। घोड़ी भी आ चुकी है, बस हमारा थोड़ा सा डेकोर बाकी है तो वो करते हैं। तो घोड़ी भी आ चुकी है हमारे दूल्हे राजा की, और मंडप भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है डेकोरेशन। एंड इनका हल्दी मेहंदी सुबह ही हो चुका था, जो बाकी सारे फंक्शंस थे, जो रिचुअल्स होते हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये हमारी प्यारी सी मुस्कान रही, मुस्कान के ऊपर आज बहुत सारा वर्कलोड है, हमेशा ही रहता है मुस्कान पे वर्कलोड। और बस इसके साथ अभी ऊपर चलते हैं, फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ मैं आपको मंडप का। और आज तो बहुत ट्रैफिक हो रहा है, और मेरी जो कार है ना वो वहाँ पर है, यहाँ पर ये जो रिलायंस फ्रेश है इसके जस्ट सामने ऑपोजिट। चलो एक बार ऊपर चलते हैं। हमारी वरमाला भी आ गई है, काफ़ी सारा डेकोरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे थोड़े बहुत कवर वगैरह बाकी है और एक आधा प्रॉप। यहाँ पे जो कवर अप होना था वो भी हो चुका है, पंडित जी भी आ चुके हैं अपनी तैयारी करने। यहाँ पे हमारा मंडप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, पंडित जी भी आ चुके हैं और दिनेश भी जाने लगे हैं। और यहाँ पे हमारी प्लेट भी रेडी हो गई है, पंडित जी ने भी हमारा पूरा का पूरा जो पंडित जी वाला डेकोरेशन होता है वो कंप्लीट हो गया है। मंडप भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़े से कवर वगैरह बाकी है और कुछ प्रॉप्स, एंड ऑल सेट है, इट्स लुकिंग। और दादी जी ने राजमा चावल बना के भेजे, मैं वहाँ से आ गई थी मंडप से, और वेन्यू को मैंने वहीं पे खड़ा कर दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रोड के ऊपर शादी वादी चल रही है, तो गाड़ी भी खड़ी कर दी। अभी वापस से फोटोज जाना है पुष्कर डेकोरेशन के लिए, तो पहले कुछ खा पी लेते हैं, एक बार घर पर चली जाती हूँ, चाय पीने का दिल है चाय भी पी लेती हूँ। फिर ये आ गई मैं फोटोज मेरी नेक्स्ट साइड पर, एंड ये रहा रूम, साथ में आए मेरी दीदी एंड अभिषेक भैया, तो वो लोग भी मुझे हेल्प कर रहे हैं क्योंकि यू नो काफ़ी बिजी शेड्यूल के बाद मैं आज इतने दिनों बाद काम करने आई हूँ। तो आज का जो है वो नेट डेकोरेशन है, काफ़ी सारा कुछ हो चुका है हमारा कच्चा पक्का काम, अब बस थोड़ा सा चाय आ गई है, चाय पीते हैं फिर उसके बाद में करेंगे बाकी चीज़ें। तो चाय यहाँ पे देखिए, ये भी बलून से बिल्कुल ऐसे करी हुई है, तो चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद ही कुछ। लो ज्योति चाय। सो जो रूम डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, विजिट करवाती हूँ डेकोरेशन को। एंड आज का डे थोड़ा सा हैक्टिक हो गया, मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई कि क्या क्या हुआ। इसी बीच में मेरा एक और साइड है वेस्टर्न, तो वो मैं रात को जाऊँगी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना इस ब्लॉग का यहीं पर मैं एंड कर दूँगी। एंड काफ़ी अच्छे से हो गया, उनको बस वीडियो भेजना बाकी है, कुछ फ्लावर पैटर्न्स दिया, ये कैनोपी सेटअप है, तो लेट्स गो। सो फाइनली हमारा पैकअप हो गया है यहाँ से, और आज दीदी आ गए थे तो काफ़ी हेल्प हो गई, एंड क्लाइंट को वीडियो भी भेज दिया था, उनको पसंद आ गया है, बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैम बहुत अच्छा डेकोरेशन करती है, मैं ये सब ब्लॉग में डालने वाली हूँ। मैम बहुत अच्छा डेकोरेशन करती है और हमें अच्छी तनख्वाह भी देती है, हमारा ध्यान रखती है। तो फाइनली इतने लंबे समय के बाद जब मैं वापस काम से आई हूँ ना, काम पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। लाइक ये है मेरी डेली लाइफ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड बस अभी हम लोग निकलेंगे, चलो लेट्स गो।
सो हेलो टू माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफी लंबे समय बाद वापस से मिले हैं एंड आज का जो डे है वो स्टार्ट होता है मानसिंह से। यहाँ पे मैं एक मीटिंग के लिए आई हूँ, 24th को एक डेकोरेशन है किडी पार्टी का, तो उस वजह से आई हूँ। तो आफ्टर दिस मीटिंग आज का जो मेरा पूरा डे रहेगा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद मैं JW जाऊंगी एक डेकोर पे एंड आज का जो पूरा डे रहेगा वो रहेगा मेरा आउटिंग का, बिकॉज आज मैं जाने वाली हूँ नाइट आउट पे फ्रेंड्स के साथ। तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, मेरे कुछ दोस्तों से भी मिलवाऊंगी आपको। सो लेट्स गो। मैम को एक बार कॉल कर लेते हैं कि उनको कितना टाइम लगेगा एंड मैंने अपने कार्ड्स वगैरह रख लिए हैं। फंबल हो रही हूँ। हाँ, तो ये रहे मेरे कार्ड्स, तो ये भी मैंने रख लिए हैं कि अगर उनको चाहिए होगा तो। तब तक वो आ रहे हैं, तब तक मैं सोची हूँ कि मैं क्यों ना चॉकलेट खाती हूँ, तो फिर उसके बाद मिलते हैं। जीवन में मैंने और कुछ सीखा या नहीं सीखा, पर लेकिन हाँ, इंतजार करना मैंने जरूर से सीखा है। हर चीज का अपना एक समय होता है और आज भी मैं वैसे ही इंतजार कर रही हूँ डेरी मिल्क खाते खाते लास्ट 20 मिनट से। अब मैं लास्ट 5 मिनट्स और वेट करूंगी, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम लोग कोऑर्डिनेट फोन पे ही करेंगे। यहाँ पे बैकड्रॉप लगेगा और यहाँ पे जो टेबल्स हैं यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह पॉट्स वगैरह लगेंगे एंड वहाँ पे डीजे साउंड रहेगा, तो उसके हिसाब से अपन को जगह देखनी है। 12 टेबल्स रहेंगी और यहाँ पे देंगे रेड कारपेट और कुछ देंगे प्रॉप्स वगैरह, और यहाँ पे राउंड वाला गेट रहेगा जिसके ऊपर गोल्डन एंड ब्लैक कलर का गोल्डन एंड रेड कर्टन। सो ज़्यादा कुछ तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि कल एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। अब मेरा फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया था, तो मैंने जस्ट अभी अपना फ़ोन थोड़ा सा रिपेयर वगैरह करवाने के लिए भिजवाया एंड कल रात को मैं अनंता आ गई थी क्योंकि मेरी मम्मी बस हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, बाकी चीज़ें मैं आपको घर जाऊँ। और अभी एक्यूरेट 13 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे भगवानपुरा एंड ये देखिए यहाँ पे गुलाब की खेती हो रही है और बहुत बहुत सारी खेती होती है यहाँ पे, आई डोंट नो मटर की और अभी गुलाब की ज़्यादा रहती है, इन दो की खेती सबसे ज़्यादा रहती है यहाँ पे। और हमारे खेत पे भी गुलाब की खेती सबसे ज़्यादा चल रही होगी, इवन यहाँ पे कहीं पर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा होगा आगे की तरफ, बिकॉज जो भगवानपुरा है वो काफ़ी अच्छा वो बन गया है टूरिस्ट स्पॉट, बिकॉज सब लोग पुष्कर आते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए एंड भगवानपुरा में भी 2-3 रिजॉर्ट्स आ चुके हैं, दैट्स वाई। और ये वाली बेल जो है ना, ये मैं सुबह से मतलब बचपन से देखती आई हूँ, बचपन से देखती आई हूँ मैं इस बेल को, और ये बेल सेम एज इट इज ही रहती है। और जैसी एंट्री हुई है हमारी भगवानपुरा में, मेरी मम्मी घूंघट में आ जाते हैं, मतलब अभी तो हालांकि एंट्री होने में भी हमारे कम से कम 5 मिनट का गैप है ही है। और यहाँ पे मेरी मम्मा को देखिए, एक टाइम था जब हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग यहाँ पे आते थे खूब खेलते थे, ये हमारा फार्म हाउस है एंड यहाँ पे हमारे यहाँ पे है ब्लैकी एंड ब्लैकी की बेबी, आप लोगों को मैं मिलवाती हूँ। जैसे अपने घर पे अपनी वाली ब्लैकी है तो यहाँ पे भी एक ब्लैकी है और ये बहुत सारा ढेर सारा दूध भी देती है और क्यूट तो है, क्यूट है या नहीं है आप बताइएगा। ये देखिए ये बढ़िया धूप ले रही है ठंड में, ठंड के फुल मज़े ये ले रही है, धूप के मज़े ले रही है ठंड में। और ये उसकी बेबी रही वहाँ पे, बड़े दोनों मस्त चिल पे लो। और ये अभी हम जा रहे हैं मटर तोड़ने के लिए, यहाँ पे पूरा पालक हो रहा है और यहाँ पे पूरा मटर है, मेरे बुआ जी हैं, मेरे भैया हैं साथ में, क्योंकि मुझे नहीं आते तो कहीं मैं पेड़ वगैरह ना तोड़ूँ इसलिए। और मैं तो यहाँ पे सब खाने के लिए आई हूँ, ये देखिए। जो मज़े इन मटर को खाने में आ रहे हैं ना, ये वाले मज़े घर पे नहीं है, इतनी फ्रेश है, इतने यम है टेस्ट में, मतलब अलग ही मज़ा है यहाँ पे आराम से फ्रेश फ्रेश मटर खाने का। मैंने बहुत सारे खा लिए, इवन मैंने ये देखिए पॉकेट में भी भर लिए हैं। और यहाँ पे ना मेरे भाई और मेरे बुआ भी वो मटर ही हमारे लिए अजमेर ले जाने के लिए ही निकाल रहे हैं थोड़े बहुत, और अभी मैं खाती हूँ। और ये वाले मैंने अभी ना मम्मा को खिलाने के लिए लिए हैं कि मम्मा को टेस्ट कराती हूँ। ये हमारे खेत वाले हैं मटर और वहाँ पे आपको फुहारे दिख रहे होंगे, तो वो पानी पी रहे हैं सारे पेड़ वगैरह, तो वहाँ पे फुहारे चल रहे हैं। और यहाँ पे ये है, इधर आंवला वाले पेड़ भी हैं इसके जस्ट पीछे, और यहाँ पे भी कुछ बीजने के लिए तैयारी चल ही रही है कि कुछ बोएंगे ये लोग। यहाँ पे पानी से पूरा वहाँ तक जा रहा है, तो चलो मैं थोड़े से मटर और खा लेती हूँ फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी मैं बैठी हूँ मटर के खेतों में और खूब सारे मटर मैंने खाए और मैं खा ही रही हूँ। और ये देखिए मैंने मेरी पॉकेट्स भी फुल फिल कर लिए, जो मैं अभी मम्मा को फ्रेश फ्रेश मटर्स खिलाने वाली हूँ, हालांकि वो लोग भी हमारे लिए ही इनको निकाल रहे हैं। तो चलो अभी थकान हो गई है, फुल गर्मी हो गई है, मतलब इस ठंड के अंदर। लौकी देखी है आपने, ये लौकी है, ये लौकी का बीज है लाइक, तो इससे बहुत सारी लौकियाँ हो सकती हैं। तो ये लौकी बड़ी वाली है, बड़ी बिगर बिगर, देखिए कितना अनोखा शेप है इसका। और ये सब कुछ बिल्कुल नेचुरल है, इनके लिए मतलब कुछ भी कोई बीज नहीं लाया गया है, खुद से यहाँ पे हो रही है।
ऐसे नंगे पांव चलने में ना बहुत ही मज़े आते हैं, लाइक इस पूरी की पूरी घास में इतना मज़ा आ रहा है, लाइक एक अलग सा ना वो मिल रहा है मसाज ऑफ ग्रास। और ये मशीन देखिए कितनी सही है, विकास बता रहे मेरे को। विकास किस चीज़ के लिए यूज़ होती है मशीन? ये खाजा छानने के लिए यूज़ होती है ना, तो इससे पूरा का पूरा हो जाता है। और ये यहाँ पे पूरा का पूरा घास है गाय वाला, तो इसको यहाँ से छान लिया जाता है ताकि इसमें अगर कुछ काटा वाटा हो तो वो ना जाए और मिट्टी भी ना जाए। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे मिट्टी भी है शायद से ना, ये देखिए छन के मिट्टी अलग हो जाती है और चारा अलग हो जाता है। और यहाँ पे एक प्रॉपर एक छलनी टाइप का कुछ है, बहुत सही चीज़ है, थोड़ा इजी हो गया है। लाइक टाइम के साथ साथ जो फार्म हाउस का वर्क होता है वो भी इजी होता चला जा रहा है, मतलब अलग अलग मशीन्स आ रही हैं, अलग अलग टेक्निक्स आ रही हैं, तो उससे बहुत आसानी हो रही है ताकि ना फार्मिंग जो है वो आगे बढ़े, इजीली सब लोग कर सकें। पहले काफ़ी हार्ड होता था कि पूरा छलनी वलनी से छानते होंगे, अब प्रॉपर एक मतलब इससे भी हाई स्टैंडर्ड मशीन्स भी होंगी फॉर श्योर। बाजरे की रोटी, राम 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 राम। हाँ देखो छुला उल्ला पूरा का पूरा इन्होंने कर लिया। और ये वाला आटा देखिए कितना येलो कलर का है बाजरे का, तो अभी ये हमको बिल्कुल डिनर करा के फिर ही भेजेंगे। और ये बाजरे की रोटी, कड़ी और मिर्ची का कुट्टा वगैरह सब कुछ ही मेरी दादी जी ने बनाया है, कितना यम लग रहा है। चलो खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी। और अब वापस से घर की तरफ निकल रहे हैं हम, पूरा का पूरा जो हमारा डे था यहाँ पे स्पेंड हो गया। सुबह तो डेकोरेशन वगैरह पे चली गई थी मैं और फिर यहाँ पे आ गई। अब बस भुआ जी को पहले ड्रॉप करेंगे, वहाँ से कुछ छाछ वगैरह लेना है वो लेंगे, फिर उसके बाद अजमेर के लिए निकलेंगे। आज का जो डे था वो काफ़ी हैक्टिक हो गया क्योंकि हम लोग फार्म हाउस पे चले गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी इन्जॉय किया। दादी जी ने बहुत यम्मी बाजरे की रोटी बनाई थी, उसमें बहुत सारा घी था, कड़ी एंड रोटी, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे फार्म हाउस का एक अलग ही मज़े होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग खेत में चले गए थे, मटर वगैरह खाए, बहुत यम्मी थे वो भी, बहुत मीठे। लाइक अपन यहाँ से जो लाते हैं उसमें और वहाँ पे खेत में बैठ के खाने में बहुत डिफरेंस है। तो वो फिर हम लोग हमारे रिलेटिव से भी मिले, संध्या से, मुस्कान से सबसे मिलना भी हो गया काफ़ी टाइम बाद, वो मेरी कज़न्स है। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए घर पे तो मैंने देखा कि यहाँ पे बंदर आ गए थे पीछे से कैफ़े में बेहिसाब उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, बहुत नुकसान हुआ है मुझे, पूरा एक कबाना उन्होंने तोड़ दिया, मुड्डे वगैरह तोड़ दिए। पहले तो मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि कैफ़े को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं इसकी हर चीज़ पर ध्यान देती हूँ मुझे। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करा, वॉश वगैरह किया क्योंकि पापा की भी 31st को पापा की बरसी है और इतना गंदा हो गया था, तो बरसी सारा कुछ यहीं पे रहेगा। रात को सुंदरकांड का पाठ है, श्याम बाबा के भजन है, तो इस वजह से भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है इस बहाने क्लीन कर लेते हैं, इसको पूरा वॉश कर लिया। कल कैफ़े पर भी 2 डेकोरेशंस है तो करना तो इम्पॉर्टेंट ही था। पूरा तहस महस मचा दिया था उन्होंने, बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अब कल से मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी, उनके आते ही उनको भगाना ही है। और क्लीन वगैरह हो गया, कल सुबह एक बर्थडे है, शाम को एक बर्थडे कैफ़े में, और मैं कल आप लोगों को लेके भी चलूँगी बाहर। बाहर मेरी 4 साइड्स हैं जो वैशाली में ही है, अजमेर में, ये एक बेस्ट चीज़ है। कल 30 तारीख है, 31 को सब कुछ रहेगा, तो कल वो वाली तैयारियाँ भी करनी है क्योंकि मैं और मम्मी हैं, अभी तक दीदी नहीं आए हैं, तो उनको शायद से ऑफ ना मिले या क्या सीन रहेगा, तो वो भी है। सब लोग आएंगे रिलेटिव्स वगैरह, तो क्लीनिंग वगैरह भी चाहिए, सारा सामान जो लाना है वो भी है। एंड आज का डे ऑलराउंड लाइक थोड़ा सा काफ़ी मतलब थकान हो गई आज के पूरे दिन में, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, और सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना क्योंकि लास्ट में वही काम आएंगे। और बहुत सारा प्यार आपको, आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।